इंफो न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सड़क पर खड़े दो लोगों को बाइक सवार तीन युवकों ने मारी टक्कर, एक गोंदिया रेफर, चार का सिविल अस्पताल में चल रहा इलाज। 3 अप्रैल की रात लगभग 8 बजे के दरमियानी बाइक सवार तीन युवकों ने लांजी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम सुनार ककोड़ी के वार्ड नंबर 13 में रोड पर खड़े दो लोगों को ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और स्वयं भी अनियंत्रित होकर गिर पड़े, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। वहीं घायल दो लोगों में ग्राम सुनार ककोड़ी निवासी तेजराम श्रीरंग उम्र 50 वर्ष, गिरधारी राउत उम्र 45 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल तेजराम को परिजनों द्वारा बेहतर उपचार के लिए गोंदिया ले जाया गया है। जानकारी अनुसार 3 अप्रैल की रात 8 बजे के आसपास सुनार ककोड़ी निवासी तेजराम और गिरधारी दोनों ही व्यक्ति सड़क पर टहल रहे थे। इस दौरान एक बाइक में सवार तीन युवक शुभम पंद्रे पूर्व टोला निवासी उम्र 18 वर्ष, राजेश बागड़े ग्राम बिनोरा उम्र 35 वर्ष, आर्यन टेकाम ग्राम बगदरा अमेडा निवासी उम्र 21 वर्ष, यह तीनों बिनोरा से खजरी शादी में जा रहे थे। अचानक रोड के किनारे खड़े तेजराम और गिरधारी को ठोस मार दिए, जिनमें तेजराम को बहुत ही गंभीर व्यवस्था में हो गया, जिसे प्राइवेट गाड़ी से सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से तेजराम की हालत गंभीर होने से उसे परिजनों द्वारा गोंदिया ले जाया गया। 108 की सेवा पर सवाल। वहीं जब गंभीर रूप से घायल तेजराम श्रीरंग को गोंदिया ले जाने के लिए परिजनों द्वारा 108 की सेवा लेनी चाहिए, तब 108 एम्बुलेंस के चालक द्वारा आनाकानी करते हुए तथा आनाकानी की जाने लगी, जिससे परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया और उनके द्वारा बताया गया कि जब शासकीय सेवाओं का सरकारी अस्पताल में ही लाभ नहीं मिल पाता तो ऐसी योजनाओं और सेवाओं का क्या औचित्य, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे व्यक्ति को ले जाने से पहले अपने आईडी का इंतजार करते रहे। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर अपनी जान से हाथ धो ले तो कौन इस बात का जिम्मेदार होगा। वहीं इस संबंध में सिविल अस्पताल लांजी में ड्यूटी के दौरान उपस्थित चिकित्सक द्वारा भी घायल को तुरंत रिफर करने के बजाय 108 के चालक को आईडी का इंतजार करने के लिए कहा गया, जिससे भी परिजनों में काफी गुस्सा था। हालांकि मीडिया कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद गंभीर व्यक्ति तथा गंभीर घायल व्यक्ति को 108 से गोंदिया बेहतर उपचार के लिए रवाना कर दिया गया था। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है? राजेश बागड़े। कहाँ के निवासी? गांव बिंदुरा। हाँ बिंदुरा जी। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ? ये ककोड़ी के बीच। ककोड़ी, तो तुम आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग बिंदुरा से आ रहे थे, खजरी में मतलब शादी लगाने जा रहे थे। खजरी शादी लगाने जा रहे थे, कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। तो कौन कौन थे, क्या नाम था? आर्यन टेकाम। अजय कौन? आर्यन टेकाम। आर्यन टेकाम, राजेश बागड़े और शुभम पंडे। तो गाड़ी कौन चला रहा था? शुभम पंडे। ये कितने उम्र है इसकी? उम्र? हाँ 18 साल। ये कहाँ का रहने वाला बताया? शुभम पंडे लांजीपुर अटोला। ठीक, कहाँ जा रहे थे बोले आप? खजरी शादी में। शादी में कहाँ से? बिंदुरा से खजरी। बिनोरा से खजरी जा रहा था। क्या नाम है आपका? गिरधारी राउत जी। गिरधारी राउत। गिरधारी राउत कहाँ रहते हैं? सुनार ककोड़ी। ये कैसे एक्सीडेंट क्या हुआ? रोड के कम से कम 2 फीट दूरी पे खड़े थे अपन। कौन कौन? ये श्रीरंग के साथ में तेजराम श्रीरंग। हाँ, तो कोई गाड़ी वाला आके मार दिया। अच्छा, तो आप कितने लोग थे? हम 2 लोग थे। कौन सी जगह में खड़े थे बोले? रोड के 10-2 फीट दूरी। कौन सी रोड, कहाँ पे? यानी सुना ककोड़ी साईं मंदिर के जस्ट आगे। अच्छा, खड़े थे। हाँ, फिर तो गाड़ी वाले ने आया उधर से पालाघाट तरफ से और मार दिया। तो कम से कम वो 10 फीट दूरी फेंका। तो आपके साथ जो थे, क्या नाम बताया उनका? श्रीरंग, तेजराम श्रीरंग। अच्छा, ये कितनी उम्र है इनकी? उम्र 50 के लगभग। अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे रोड के किनारे? खाली पी उधर से आया घर के तरफ से फोन करते करते, तो मेरे को पूछा क्या कर रहा है रे गए। तो मैं घर के बाहर निकला। तो आपको चोट कहाँ लगी? मेरे को पैर में लगा। और उनको? उनको कहाँ लगा तो अभी कोई अंदाज नहीं बता। तो कैसे आया अभी यहाँ पे हॉस्पिटल? गाड़ी से आया, जीप से। कौन सी जीप? बाजू वाले की जीप थी, घर में खड़ी। 108 से नहीं आई? टाइम लगेगी, क्या बोल ही नहीं रहा था ना, इसलिए उसी से आया। चलो ठीक।
पापा जी का हो गया पापा जी पापा जी हो गया हाँ हो गया बस 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 बने रहिए हमारे साथ एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में, तब तक के लिए नमस्कार।